दोस्तों आज के टाइम में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक काफ़ी ज़्यादा डिजिटल बैंक हो चुका है। अगर आप इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप फुल्ली ऑनलाइन तरीके से इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं। इसमें आप नेट बैंकिंग चला सकते हैं, UPI लिंक कर सकते हैं और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है, आपको इस बैंक में किसी भी प्रकार का बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये अकाउंट टोटली जीरो बैलेंस अकाउंट है। गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस के लिए कोई स्कीम चलाई जाती है तो उस स्कीम का लाभ आप इस अकाउंट के थ्रू ले सकते हैं। अगर आप इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वर्चुअल ही डेबिट कार्ड मिल जाता है और इंस्टेंट ही आपको अकाउंट नंबर मिल जाते हैं, IFSC कोड मिल जाता है। जो आपको वर्चुअल कार्ड मिलता है, वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, उसके माध्यम से आप अपने फोन पे अकाउंट को लिंक कर सकते हैं या अपने पेटीएम अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप इंस्टेंट ही कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन करके तुरंत ही आप सभी चीजें इस बैंक से लिंक कर सकते हैं और आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में लगातार बने रहे और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहां पर आपको फिल करना है IPPB। ये फिल करके जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके सामने एक एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है जो कि IPPB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है। ये पोस्ट ऑफिस की एप्लीकेशन है। सिंपली आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करके आपको ओपन कर लेना है। आप जैसे ही ओपन करोगे तो इस एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में आप यहां पर देखोगे लिखा हुआ है इंडियन पोस्ट ऑफिस। अब आप यहां पर देखोगे आप अगर अपना अकाउंट यहां पर ओपन करना चाहते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं ओपन योर अकाउंट नाउ, यह आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अगर आपने पहले से इस एप्लीकेशन में अकाउंट ओपन कर लिया है, पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन कर लिया है, तो सिंपली आप लॉग इन नाउ पर क्लिक करके आप अपनी ID पासवर्ड फिल करके अपने अकाउंट को यहां पर ओपन कर सकते हैं। तो हम यहां पर नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो ओपन योर अकाउंट नाउ पे हम यहां पर क्लिक करेंगे। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट में जो हम मोबाइल नंबर देना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहां पर फिल कर देना है और इसके बाद में आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर आपको यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद में ये दोनों चीज़ फिल करके सिंपली आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहां पर मोबाइल नंबर फिल करता हूं और मेरे जो पैन कार्ड नंबर है वो फिल करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूं। मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद में हम जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक OTP आ जाएगी, तो OTP को यहां पर आपको फिल कर देना है। तो चलिए हम यहां पर OTP फिल कर देते हैं। OTP फिल करने के बाद में सिंपली हम यहां पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। हम यहां पर जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आपके सामने दो ऑप्शन यहां पर आ चुके हैं, आधार नंबर एंड वर्चुअल नंबर। सिंपली आपको क्या करना है, आपकी आधार नंबर आपको यहां पर फिल कर देना है और उसके बाद में री एंटर आपके जो आधार नंबर है आपको यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद में इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है इन पर आपको क्लिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर मेरे आधार नंबर फिल कर दिए हैं, री एंटर आधार नंबर फिल कर दिए हैं, इनकी दोनों टर्म एंड कंडीशन पे मैंने यहां पर फिल कर दिया है। इसके बाद में मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगा। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देखोगे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगी, तो OTP को आपको यहां पर फिल कर देना है। तो चलिए मैं OTP यहां पर फिल कर देता हूं। तो OTP मैं यहां पर देख लेता हूं, हमारे पास में OTP आ चुकी है। OTP फिल करके जैसे हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमें यहां पर चार स्टेप फॉलो करनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन की, पैन एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन एंड नॉमिनी डिटेल एडिशनल डिटेल। तो चलिए सिंपली हम यहां पर पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। हम जैसे ही पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है वो इस फॉर्म में कंप्लीटली आपको फिल कर देनी है। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपनी मदर का मिडिल नेम आपको यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपको अपने हस्बैंड का नेम या फिर आप मेन है तो आप अपनी वाइफ का नेम यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद में आपकी मदर का जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद में आपका फादर का नेम आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। आपकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहां पर फिल करनी है
और इसके बाद में आपके आधार कार्ड में जो नेम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और आपके पैन कार्ड में जो नेम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो देख सकते हैं हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है और यहाँ पर ओके का आइकन आ चुका है। इसके बाद में पैन एंड एड्रेस पर हम क्लिक करेंगे। हम जैसे पैन एंड एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपका एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम नहीं है तो इस चेकबॉक्स को आपको यहाँ पर हटा देना है और आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो हमारा परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो सिंपली हम यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पैन एंड एड्रेस के ऑप्शन पर भी ओके का चिन्ह आ चुका है। इसके बाद में सिंपली हम नॉमिनी डिटेल पर क्लिक करेंगे। अगर हम यहाँ पर नॉमिनी डिटेल देना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और नॉमिनी की कंप्लीट डिटेल हम यहाँ पर फिल कर देंगे। जो हमारे अकाउंट में हम नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने परिवार में किसी को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनी की डिटेल नहीं देना चाहते हैं तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे नॉमिनी डिटेल के ऑप्शन पर भी ओके यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद में हम एडिशनल डिटेल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको इंडिया दिखाई देगा तो यहाँ पर इंडिया ही आपको सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद में आपको मैरिड स्टेटस पर क्लिक करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो सिंपली आपको यहाँ पर मैरिड फिल कर देना है और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको अनमैरिड फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में आपका ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है कि आप क्या वर्क करते हैं। अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड है तो सिंपली आप सैलरीड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है तो आपको पता है स्टूडेंट की कोई इनकम नहीं होती तो आप यहाँ पर 00 फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास में एजुकेशन लेवल पूछा जा रहा है तो आपकी जो भी एजुकेशन लेवल है वो इस लिस्ट में से आपको फिल कर देना है। आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी आपकी एजुकेशन लेवल है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे आर योर पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन। अगर आपका किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल से लिंक है तो सिंपली आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका किसी भी प्रकार पॉलिटिकल से लिंक नहीं है तो आप नो पर यहां पर क्लिक करेंगे एंड सेव पर क्लिक कर देंगे। हम जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारी एडिशनल डिटेल भी ओके हो चुकी है। इसके बाद में सिंपली हम यहां अकाउंट इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देखोगे आपसे मांगा जा रहा है रिक्वायर्ड एंड अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आप यहां पर अकाउंट स्टेटमेंट चाहते हैं तो सिंपली आपको यस पर क्लिक करना है और आप किसके थ्रू अपना अकाउंट का स्टेटमेंट चाहते हैं तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं और पोस्टल देख सकते हैं। तो सिंपली हम यहां पर ऑनलाइन ही अपने अकाउंट का स्टेटमेंट चाहते हैं। अब यहां पर आप नीचे देखोगे डीबीटी मैपिंग, ये ऑप्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपको यहां पर ध्यान से सुनना है। अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी स्कीम का पैसा अगर आप इस अकाउंट में लेना चाहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड के माध्यम से अगर आपका किसी भी प्रकार का पैसा ट्रांसफर होता है तो अगर आप इसी अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आपको यहां पर फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया किसी भी योजना का पैसा इस अकाउंट में नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपली आप यहां पर देख सकते हैं नो आई डोंट वांट रिसीव डीबीटी, तो सिंपली आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है एंड सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप देखोगे यहां पर सारी इंफॉर्मेशन हमारी सेव हो चुकी है, सभी स्टेप के आगे ओके का चिन्ह आ चुका है। इसके बाद में हम यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि आप अपने बैंक के अंदर क्या क्या सुविधा लेना चाहते हैं। नेट बैंकिंग लेना चाहते हैं तो आपको यहां पर ओके के बटन पर क्लिक रहने देना है। अगर आप एसएमएस बैंकिंग लेना चाहते हैं तो आपको यहां पर एसएमएस बैंकिंग पर क्लिक रहने देना है। अगर आप मिस कॉल कॉल बैंकिंग लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको मिस कॉल बैंकिंग पर क्लिक रहने देना है। तो जो जो सर्विस आप लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपकी पर्सनल डिटेल आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी, आप यहां पर पूरी डिटेल देख सकते हैं। अगर यहां पर आपने सब कुछ सही से फिल किया है तो सिंपली आपको कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है और इस फॉर्म को फिल करते हुए अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, आपने कुछ गलत फिल कर दिया है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर हर इंफॉर्मेशन के सामने आपको एक पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और वापस से इस फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं जिस स्टेप में जिस फॉर्म में आपने गलती की है। तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, हमने यहां पर सब कुछ सही से फिल कर दिया है। इसके बाद में हम कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म के बटन पर क्लिक करने के बाद में आप देखोगे आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो ओटीपी को आपको यहां पर फिल कर देना है। तो चलिए हम ओटीपी फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद में सिंपली हम यहां पर कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। आप ओटीपी फिल करके जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे
तो आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया है अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुल। आपकी कस्टमर आईडी आपको यहां पर मिल चुकी है और आपके जो अकाउंट नंबर है वो भी आपको यहां पर मिल चुके हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस कस्टमर आईडी के और अकाउंट नंबर के आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर एक पिक्चर क्लिक कर देना है। इसके बाद में सिंपली आपको गो टू होम पर क्लिक करना है। गो टू होम पर क्लिक करने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपका एटीएम कार्ड देखने के लिए, आपके बैंक की कंप्लीट डिटेल्स देखने के लिए सिंपली आपको लॉगिन नाउ पर क्लिक करना है। सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर जो आपको अकाउंट नंबर मिले थे वो अकाउंट नंबर आपको यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपको जो कस्टमर आईडी मिली थी वो कस्टमर आईडी आपको यहां पर फिल कर देना है और इस कैलेंडर के माध्यम से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर फिल कर देना है और इसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर फिल करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद में सिंपली आपको ओटीपी फिल करना है और आपको 4 डिजिट के पिन बना लेने हैं। 4 डिजिट के पिन बनाने के बाद में आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करके आपके 4 डिजिट के पिन फिल करके जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखोगे आपका यहां पर अकाउंट कंप्लीटली बन चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है वो आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। हमने इंस्टेंटली बैंक अकाउंट ओपन किया है तो हमारे अकाउंट में भी कुछ भी पैसा नहीं पड़ा हुआ। व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करके आप यहां पर व्यू स्टेटमेंट देख सकते हैं, आपके किस ब्रांच में अकाउंट ओपन हुआ है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। यहीं से आप सेंड मनी कर सकते हैं और यही स्कैन पे पर आप क्लिक करके किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आप फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से स्कैन करके पैसा ट्रांसफर करते हैं, सेम इसी प्रकार आप यहीं से क्लिक करके बारकोड को स्कैन करके आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप इस ऐप में अपना जो डेबिट कार्ड वर्चुअल कार्ड है वो आप देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रुपे डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है। आप जैसे रुपे डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है। आप अपने वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को अगर एक्टिव करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर 60 रुपये का पे अपने अकाउंट से कटवाना पड़ेगा। जब भी आप अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दोगे तो आपके अकाउंट से 60 रुपये का चार्ज पे हो जाएगा और आपका जो ये डेबिट कार्ड है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा आपके जो पोस्ट ऑफिस में जो जो भी सर्विस है वो सर्विस आप यहीं से देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस सर्विस पर क्लिक करके। इसके बाद में आप यहाँ पर भीम UPI लिंक कर सकते हैं, पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, सर्विस पर क्लिक करके आप सर्विसेज देख सकते हैं। यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप यहां पर उनसे जवाब ले सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार कंप्लीट अकाउंट पोस्ट ऑफिस में आप अपना खोल सकते हैं। इसके अलावा भी आपका कोई कंफ्यूज, आपका कोई सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए हेल्पफुल वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।